मून नाइट ने अपने दोस्तों को धोखा दिया, उससे उनकी पावर छीन लिया। शुरुआत आयरन फिस्ट से हुई, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, फिर घोस्ट राइडर और फिर थॉर का हैमर भी उससे चुरा लिया गया। ये सब करने की वजह मून नाइट ने अर्थ की तरफ बढ़ता खतरा बताया, लेकिन ये सच में कोई खतरा था? ये किसी को नहीं समझ आ रहा था। गाइज, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब आगे कुछ हफ्तों बाद नील नदी के किनारे बना एक ऐसा पुराना मंदिर जिसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं, लेकिन आज इसमें कुछ हलचल हो रही है। हम देखते हैं मून नाइट इस टेम्पल में आ चुका है और वो मून प्रीस्ट को पीट रहा था। मून नाइट ने कुछ भयानक विजन्स देखे थे जिनकी वजह से वो यहाँ आया था। मून प्रीस्ट मून नाइट को अंदर जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि मून नाइट एक धोखेबाज है, वो नाइट लॉर्ड का अच्छा बेटा नहीं है। मून नाइट कहता है, मैं जानता हूँ कि ये खोंशु की कोई नई साजिश है, वो मुझे ऐसे विजन्स दिखाता रहता है। प्रीस्ट कहते हैं, उन विजन से सिर्फ तुम ही परेशान नहीं हो, हम सब भी हैं। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मून नाइट ने कहा, खोंशु हमेशा ऐसा ही करता है, उसने मुझे तब बचाया जब मैं मर रहा था और उसके बाद उसने मुझे अपना पालतू गुलाम बना दिया ताकि मैं उसके सारे गंदे काम कर सकूं, लेकिन आज उसने हद पार कर दी है, मैं उसका चेहरा तोड़ दूंगा। और इतना कहते हुए मून नाइट एक कमरे में घुस जाता है। मून नाइट अंदर कुछ देखकर हैरान हो जाता है। प्रीस्ट कहते हैं, हम यही तो कब से तुमको समझाने की कोशिश कर रहे थे। गाइस, मून नाइट ने अंदर आकर क्या देखा कि मून गॉड खोंशु किसी डरे हुए बच्चे की तरह कोने में बैठा चिल्ला रहा था। उसे कुछ विजन्स दिख रहे हैं जिसमें अर्थ लगभग खत्म होने वाली है, दुनिया में अंधकार छाने वाला है और मून खून से रंग के लाल होने वाला है। मून नाइट खोंशु की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसने खोंशु के कई रूप देखे हैं जिसमें खोंशु नफरत, गुस्सा, पागलपन और क्रुएलिटी से भरा नजर आता है, लेकिन मार्क ने खोंशु को कभी इस तरह से डरा सहमा नहीं देखा था। खोंशु ने मार्क से कहा, स्पेक्टर, तुम यहाँ जो करने आए हो तुम वो करो, तुम अपनी फिस्ट से मेरा सर फोड़ दो, तुम मुझे मार दो, मैं अब और नहीं सह सकता। मार्क के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो यहाँ आया तो खोंशु को पीटने था, लेकिन खोंशु के इस बड़बड़ाते डर और विजन ने मून नाइट को सब समझा दिया था कि इन सब हॉरिफिक विजन्स के पीछे कौन है। वहीं लास वेगास के होटल इन्फर्नो में मून नाइट जाते हुए मेफिस्टो का नाम बुलाता है। इन सब विजन्स के पीछे मेफिस्टो था। मून नाइट ने कहा, मून से कभी भी वो चीज छुपी नहीं रह सकती जो भी रात में सफर करती है। मैं तुम्हारी सब साजिश को समझ चुका हूँ जो भी तुम प्लान कर रहे हो। तब मेफिस्टो ने कहा, ओह, तो तुम्हें तुम्हारे उस चिकन हेड गॉड ने सब बता दिया, लेकिन इतना भड़क क्यों रहे हो? देख नहीं रहे हो कि मैं डिनर कर रहा हूँ और खाना ठंडा हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तुम चाहो तो मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर मून नाइट ने अपना क्रॉस निकालते हुए कहा, और ये खाना तुम्हारा आखिरी खाना होने वाला है। जिस पर मेफिस्टो ने कहा, ये गेट जो तुम फील कर रहे हो ये डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक है, एक सॉर्सरर का मैजिक। जिस पर मून नाइट कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज अब सॉर्सरर नहीं रहे, उनका मैजिक अब मेरा मैजिक है। और इतना कहकर मून नाइट मेफिस्टो को आजाद कर देता है। मून नाइट ने कहा, अब तुम डॉक्टर स्ट्रेंज के कैद से आजाद हो मेफिस्टो। तब मेफिस्टो ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे बोलोगे कि गो टू हेल। मून नाइट ने कहा, हेल तो तुम्हें अब कभी नसीब नहीं होगा। लेकिन तभी मेफिस्टो मून नाइट पर अटैक कर देता है। मेफिस्टो ने कहा, तुम्हें लगा कि मैं जेल के अंदर कैद हूं तो मैं कमजोर हो गया, तुमसे मून गॉड ने भी यही बोला होगा। जिस पर मून नाइट ने कहा, मैं जानता हूं तुम वीक नहीं हो, और मैं ये भी जानता हूं जो भी तुम इस जेल में कैद होने के बाद से इस दुनिया में अपना कैओस फैला रहे थे, मून से कुछ भी नहीं छिप सकता, पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए पहले ही रेडी था। और इतना कहते ही कोई चीज मेफिस्टो की बॉडी में छेद करते हुए बाहर निकल जाती है। ये म्योनीर था जिस पर मून गॉड खोंशु की इंचेंटेड क्रॉस लगे हुए थे। मेफिस्टो गिर चुका था। मून नाइट ने कहा, मैं जानता हूँ तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी को घोस्ट राइडर की हेल फायर से जला दूंगा, और अगर उसके बाद कुछ भी बचा तो उसे मैं आयरन फिस्ट की मदद से चूरा कर दूंगा, और इसके बाद भी अगर कुछ बचा रह गया तो उसे मैं म्योनीर में बांध कर पूरे कॉस्मोस से दूर भेज दूंगा, और इस तरह से तुम्हारा अंत होगा मेफिस्टो। पर तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम जानते हो मार्क कि ये ऐसे नहीं खत्म होगा। ये खोंशु था। खोंशु ने आगे कहा, तुमने जो किया मैं उससे खुश हूँ, लेकिन तुम जानते हो ये ऐसे खत्म नहीं होगा, इस वाले वर्जन के साथ तो बिल्कुल नहीं, इसके जैसे और भी मेफिस्टो अभी बचे हुए हैं।
मून नाइट कहता है, तुम अब आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को धोखा दिया, उनसे उनकी पावर छीन ली, लेकिन तुम्हें तुम्हें अभी भी मुझसे कुछ और चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम कहो कि अब बस? तब खोंशु म्यूनियर को सम्मन करते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि तुम्हें ही को सब करना है? अब जो भी करूंगा वो मैं करूंगा। 2 हफ्ते बाद खोंशु ने मैनहट्टन पर पिरामिड्स बना दिए थे। इस शहर में अब कहीं भी सवेरा नहीं हो रहा था और खोंशु ने उन कुछ जगहों पर भी पिरामिड्स को बना लिया था जहां कभी सूरज नहीं निकल रहा था। आसमान में बस मून दिख रहा था और स्पेस में थंडर अभी भी गरज रही थी। ये उस गॉड की थंडर थी जो कि मून नाइट की वजह से मून में दबा हुआ था, और जो कोई भी खोंशु के खिलाफ जा रहा था उसे जमीन में से निकल रही मम्मीज रोक रही थी। ये शहर में इंसान कम और मम्मीज ज्यादा हो गई थी। तब हम देखते हैं टचाला को जो कि जंजीरों में बंधा था, और उसकी हालत देखकर समझ आ रहा था कि उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। तभी कुछ मून प्रेस्ट आकर टचाला को टॉर्चर करने लगते हैं। टचाला उनसे कहता है, तुम उसे चाहे जितना टॉर्चर कर लो लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा, उसे सिर्फ खोंशु से बात करनी है। तब एक मून प्रेस्ट कहता है, तुम हमें वो दे क्यों नहीं देते जो कि हम तुमसे मांग रहे हैं? हमने घोस्ट स्प्रिट, आयरन फिस्ट सब ले ली है, और अब हमें दुनिया को बचाने के लिए स्प्रिट ऑफ पैंथर चाहिए। टचाला ने आगे कहा, दुनिया को बचाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ये तरीके अपनाना कितना सही है? जिस पर एक प्रीस्ट अपना हंटर दिखाते हुए कहता है, ये देख रहे हो, इनमें मून रॉक्स लगी हुई हैं, ये तुम्हारे अंदर से सब उगलवा देंगी। आखिर इसके लिए हमें तुम्हारा कितना खून बहाना होगा? टचाला ने कहा, सारा का सारा। अगर मेरी शक्ति चाहिए तो अपने गॉड को यहाँ पर बुलाओ। जिस पर वो प्रीस्ट अपने हंटर से टचाला को मारने ही वाला होता है कि मून नाइट ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद सब प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। टचाला ने कहा, तो तुम भी आ गए, अपना जोर आजमाने हैं। मून नाइट ने कहा, तुम अपनी पावर्स दे क्यों नहीं देते? यह जरूरी है, इस तरह से हम दुनिया को बचा सकते हैं। टचाला ने कहा, तुम बेवकूफों की तरह बात कर रहे हो। और तभी मून नाइट टचाला को एक पंच मारते हुए कहता है, मुझे बताओ कि क्या ये तुम बेवकूफ का पंच लगा? टचाला ने कहा, लेकिन ये पंच उस समझदार इंसान का भी नहीं है जिसे ये पता हो कि पंच कब और किसे मारना है। मार्क अपना मास्क हटाते हुए कहता है, देखो इस चेहरे को, क्या तुम्हें लगता है कि इस पे खोंशु का कंट्रोल है? मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देख सकते हो। टचाला ने कहा, डर, तुम्हारी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा है, एक ऐसा डर जो पूरे कॉस्मोस को अपने में समा लेगा, और ये तुम भी जानते हो। मून नाइट ने बताया कि उसने मेफिस्टो को मार दिया है। टचाला ने कहा, तब तो खोंशु को हेल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता, बधाई हो, तुमने उसे एक सिंहासन दे दिया। मार्क ने कहा, टचाला तुम्हें समझ क्यों नहीं रहे कि मैंने क्या देखा? उसने पूरी दुनिया को अपने में समा लिया था, अवेंजर्स और बाकी कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाया। उसे हराना है तो अपनी स्पिरिट ऑफ पैंथर दे दो, नहीं तो मुझे मजबूरन प्रिस्ट को बुलाना होगा। टचाला ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें हंटर चलाने में शर्म आ रही है? मून नाइट ने कहा, अगर मुझे तुम्हारा खून निकालना ही हुआ तो उसके लिए मुझे हंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तभी एक प्रिस्ट बताता है कि कुछ विरोधी उनके काम में दखल दे रहे हैं। मार्क ने कहा, ये जरूर कैप्टन होंगे, हम उन्हें और बाकियों को कब से ढूंढ रहे हैं? टचाला ने कहा, मार्क, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि खोंशु क्या कर रहा है? वो पावर का भूखा हो गया है, उसे तुमने इतनी सारी पावर्स लाकर दी हैं जितनी एक इंसान के पास होनी नहीं चाहिए। तुम्हें ये चीज साफ साफ क्यों नहीं दिख रही है? तुम अभी खोंशु को बुलाओ और देखो तुम्हें उसकी आंखों में क्या नजर आता है। मेरी बात अभी के अभी साबित हो जाएगी। इस पर मार्क ने कहा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने खोंशु को सारी पावर्स दे दी? मैं उस पर इतना ब्लाइंडली भी विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने अपने पास एक ऐसी पावर बचा रखी है जो कि जरूरी है। तब मून नाइट अपने गले से क्रॉस निकालकर पहन लेता है। ये घोस्ट स्पिरिट थी जिसे अब तक मार्क ने मून नाइट को नहीं सौंपा था। शायद मून नाइट को खोंशु के बारे में शक है, क्योंकि मून नाइट को खोंशु हमेशा से ही मिसगाइड करता आया है। कहानी अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि मून नाइट आखिर किसकी तरफ है। मार्क के जाते ही टचाला के पास प्रीस्ट आ जाते हैं। वो कहते हैं, टचाला को स्पिरिट ऑफ पैंथर देने के लिए कितने प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अब 5 प्रीस्ट उस पर कहर ढाने आ गए थे। जिस पर टचाला अपनी बेड़ियों को तोड़ते हुए कहता है कि उसे झुकाने के लिए 5 नहीं कम से कम 50 प्रीस्ट को आना पड़ेगा, जिसके बाद टचाला उन पर हमला करने लगता है। लेकिन इस मंदिर की दीवार पर एक भविष्यवाणी लिखी हुई थी। प्राचीन इजिप्ट में लोग अपनी बातों को चिन्हों के माध्यम से बताया करते थे।
जिन्हों में शामिल है आई एफ आगामोटो, आयरन फिस्ट, गोस्ट ऑफ स्पिरिट, फिनिक्स फोर्स, स्पिरिट ऑफ पैंथर और स्टार ब्रांड। लेकिन एक चीज और शामिल है जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। वहीं सारा डिजर्ट में कैप्टन मार्वल और टोनी किड स्टार ब्रांड को लेकर छुपे हुए थे कि तभी उनके सामने की जमीन हिलने लगती है और उनमें से ममीज बाहर आने लगते हैं। कैरल कहती है, ये हमें ढूंढ कैसे लेते हैं? आयरन मैन ने कहा, शायद आई ऑफ आगामोटो की वजह से। कैरल टोनी से वहां से किड स्टार ब्रांड को लेकर जाने के लिए कहती है। टोनी कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस फैमिली को बिखरने नहीं दूंगा। तो कैरल कहती है, मैंने तुमसे कहा ना कि हम फैमिली नहीं हैं। जिस पर टोनी स्टार ब्रांड से कहता है, ब्रांडी बेटा तुम टेंशन ना लो, मम्मी ऐसे ही गुस्सा करती हैं, तुम उनकी बात पर ध्यान ना दो। कैरल ने कहा, अगर हम बच गए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आयरन मैन ने कहा, हमें बचना ही होगा क्योंकि हमारा दोस्त अचाला उनकी कैद में है, हमें अपने दोस्तों के लिए बचना होगा। ऐसा लग रहा है कि अवेंजर्स में सिर्फ हम ही बचे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम में से किसी ने अपनी पैंट में पॉटी कर दी है। गाइस, खोंशु को अब स्टार ब्रांड की पावर भी चाहिए थी जो कि एक बच्चे में थी, जिसे लेने के लिए खोंशु ने अपनी आर्मी भेजी थी। अब ये स्टार ब्रांड की पावर्स ले पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।